50 से अधिक गौवंश में इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। अब इसको लेकर पशु चिकित्सा विभाग और स्वास्थ्य विभाग गौवंश को वैक्सीनेशन कर रहा है। पशु चिकित्सक ने बताया कि 2 दिन पूर्व ही उनके पास वैक्सीन आई है। उन्होंने दोनों गौशाला पंजीकृत और अस्थायी दोनों में वैक्सीनेशन लगाया गया है, जहां उन्होंने बताया कि अब वह पशुओं को गांव-गांव जाकर वैक्सीन लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पशु पालकों को जागरूक किया जा रहा है कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। सहारनपुर से संवाददाता पारस पवार की रिपोर्ट। इसमें यह है कि एक तो हमने लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम किया है, इसके कुछ वो है कि क्या ना करें। इसमें एक तो समूह में अपने पशुओं को जंगल में चराने मत भेजें, और कोई प्रदर्शनी हो, मेला हो, खरीद फरोख्त जो है इसको बंद कर दें, और इसको अगर बाई दीवे मतलब कोई दुर्भाग्य से किसी की डेथ भी होती है तो उसको दफना दें, ऐसे खुले में मत फेंकें। लंपी जो बीमारी गोवंश में पाई जा रही है, वो देवबंद में भी उसका प्रकोप है, लेकिन उसके 30-35 गांव में फैला है, और जो इसके लिए है सभी जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी सभी की ड्यूटी लग गई है, उनको गांव नामित कर दिए हैं, और हर ग्राम में एक पंचायत सहायक को जिम्मेदारी सौंप दी है कि वो अगर कोई उनके गांव में बीमारी पाई जाएगी तत्काल बताएंगे वो।